मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये चाहूंगा कि आप इस एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को, क्योंकि हमारी ऑडियंस कॉमन मैन भी है, एक कॉमन मैन को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे कायल कर सकते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और इस्लामिक फाइनेंस की तरफ आना क्यों जरूरी है। बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है और बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा, वो पैसे बैंक में शेयर रखते थे, भाई बैंक में सूद होता है। तो इस्लामिक फाइनेंस का आना दो वजूहत से बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के। एक तो अगर हम सही नुकता नज़र से देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूद को हराम करार दिया और ये कहा कि तिजारत करो और खुली जंग है, अल्लाह के रसूल से खुली जंग अगर कोई सूद लेता है तो ये गुनाह कबीरा में है जी, और इसकी भी बहुत सारी वजह भी है। इसी वजह से एक आम आदमी ना सूद से भागता है। तो एक तो जब हम इस्लामिक फाइनेंस या इस्लाम का बैंकिंग का निज़ाम इस्लाम में सूदों पे लाते हैं तो हम अल्लाह उसके रसूल के जंग को ख़त्म करते हैं और एक अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन रखते हैं, एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम की फाउंडेशन रखते हैं। दूसरी बात यह कि जैसे आपने कहा कि जब लोग बैंकिंग में आएंगे इस्लामिक तरीके से तो खुद ब खुद डॉक्यूमेंटेशन होगी, खुद ब खुद उनके, अच्छा हज़ारों ऐसे लोग थे जो आज से 20-22 साल पहले हम ये सुनते थे कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं सूद नहीं कमाना चाहता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं पेंशन करता हूँ, मैं बेवा हूँ, मैं और किसी और वजह से बचत करना चाहता हूँ, लेकिन कोई तरीका ही नहीं है मुझमें, या तो सूद पे जाओ या फिर कुछ ऐसी कंपनी जो फ्रॉड करके पैसे लेके भाग जाती है।